वो कह रहे थे बराबर जिला प्रशासन को, मुझे लाइसेंस चाहिए, आप परीक्षा दीजिए या लाइसेंस दीजिए। मैं लास्ट व्यक्ति हूँ इस परिवार का, नंदकिशोर यादव और पत्रकार योगेश यादव को शहीद कर दिया गया, और अपराधियों के संरक्षण की वजह से ऐसी निर्मम घटना हुई है। इतना बड़ा राजनीतिक संघर्ष है कि पुलिस तो उसके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहती, और एक बूढ़ा पिता, दो विधवा महिलाएं, दो छोटे बच्चे, एक बच्ची उस परिवार में क्लास 5 का विद्यार्थी ये कह रहा है कि बाहर गेट से बाहर निकलेंगे तो हमारी हत्या होगी। क्लास 5 का इतना भयावह स्थिति है उस परिवार का। 19 में जब हत्या हुई थी विवेश यादव के भाई का, तो जिला प्रशासन ने 4 लाख रुपया देने का आश्वासन दिया। 4 लाख रुपये की बात तो दूर रही, सुरक्षा नहीं दी गई। विमल यादव ने हथियार के लिए लगातार आवेदन दे करके प्रयासरत रहे कि हथियार का लाइसेंस, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें हथियार मुहैया लाइसेंस मुहैया नहीं करा, बल्कि इसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले जा करके दिल्ली से कहीं लिए। और वो कह रहे थे बराबर जिला प्रशासन को, मुझे लाइसेंस चाहिए, आप परीक्षा दीजिए या लाइसेंस दीजिए। मैं लास्ट व्यक्ति हूँ इस परिवार का, और मैं लास्ट गवाह भी हूँ, सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए। अभी सरकार के प्रतिनिधि जिस तरह से कूद रहे हैं, बड़ा सिर मार दिया, शर्म नहीं इन लोगों को आती है कि जो एक पत्रकार ईमानदारी से समाज में जो आतंकवादी शक्तियां हैं, आताताई हैं, लुटेरे हैं, उनके खिलाफ लिखने का साहस दिया, आम लोगों को बचाने की कोशिश की, और वही खुद सही हुई। तो मैं समझता हूँ कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर यादव और पत्रकार योगेश यादव को शहीद कर दिया गया, क्योंकि सरकार की निष्क्रियता और अपराधियों की संरक्षण की वजह से ऐसी निर्मम घटना हुई है। जो तो लास्ट 5 दिन से लगातार जिला प्रशासन को ये कह रहा हो कि मेरी हत्या हो जाएगी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद गवाही होने वाला है, मैं लास्ट गवाही, और ये अपराधी जेल में बैठे हैं और वहीं से सारा अपराध करते हैं। ये किसको पकड़ लिए हैं? जो पैसे पर शूटर चल रहे हैं उनको पकड़ लिया, और बाबाई कर लिया। मूल अपराधी है वो जेल में बैठा हुआ, वहाँ से अपराध का संचालन कर रहा है, और बड़ा बहादुरी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं हमें अपराधी को पकड़ो। ये ऐसे शूटर तो कुछ पैसों में यहाँ चल रहे हैं, जर्सी लोग जी। इसलिए जो स्थिति पैदा हुई है यह बहुत ही गंभीर है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जो राज्य में हो रहा है, यही बात 2016 में राजदेव रंजन की जब हत्या हुई थी तो कहा गया था, आज तक कोई कंक्लूसिव नहीं, और कई लोग उसमें मृत्यु भी हो गई कई लोग। तो इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ कि अवैध बालू, अवैध दारू और अवैध जमीन, अवैध कब्जे से रंगदारों की एक, क्रिमिनल्स की एक नया नेक्सस पैदा हुआ है, और यह आम लोगों का जीवन दुर्बल किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।